नोएडा में अब बंचलों पर नकेल कसने के लिए यूपी पुलिस ने एक अनोखी पहल की है। इसके तहत पहली बार महिलाओं के साथ छेड़खानी करने वाले युवकों को रेड कार्ड दिया जाएगा। इस रेड कार्ड को चेतावनी के तौर पर मंचलों को दिया जाएगा। अगर इसके बाद भी मंचलों ने महिलाओं के साथ बदसलूकी की तो उसे उन्हें सीधा जेल में डाल दिया जाएगा। नोएडा SSP वैभव कृष्ण ने आदेश दिए हैं कि सभी कॉलेजेस और स्कूलों में रेड कार्ड बांट दिए गए ताकि पता चल सके कि कौन कौन सी जगहों पर रोमियो स्क्वाड की ज्यादा जरूरत है। सभी थानों पे, जनपद के सभी थानों पे एंटी रोमियो स्क्वाड्स जो हैं वो एक्टिवेट की गई हैं और उन्हें प्रभावी बनाया गया है। एक नया उसमें सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया है लाल कार्ड देने का। जो भी मंचले इस तरीके के रहते हैं, जो स्टॉकिंग वगैरह करते हैं लड़कियों के साथ और कॉलेज में पढ़ने वाली लड़कियों के साथ और महिलाओं के साथ, ऐसे स्थानों पे जो भी पाए जाते हैं सस्पेक्ट्स, उन्हें रेड कार्ड इशू किए जाएंगे और उन्हें जिसमें हिदायत दी जाएगी कि दोबारा अगेन अगर वो पाएंगे तो उनके खिलाफ FIR दर्ज की जाएगी और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। नोएडा में मंचलों पर नकेल कसने के लिए नोएडा पुलिस ने एक बड़ी पहल शुरू की है। हम थाना 20 पर मौजूद हैं। 20 थाने की तरह सभी जो थाने हैं उन थानों पर एक एंटी रोमियो सेल का गठन किया गया। इस पे तैनाती रहेगी वो भीड़ भाड़ वाले इलाकों में, स्कूल कॉलेजों में जहां पर छात्राओं का ज्यादा आवागमन होता है उन इलाकों में पुलिस तैनात रहेगी और महिलाओं के साथ, छात्राओं के साथ, युवतियों के साथ छेड़छाड़ करने वाले लोगों को पुलिस पहले रेड कार्ड थमाएगी। उनका नाम, पता और तमाम जो चीज़ें हैं वो नोट की जाएंगी और उनको एक चेतावनी देकर छोड़ी जाएगी। उस चेतावनी के बाद भी अगर मंचले बाज नहीं आते हैं तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल SSP गौतम बुद्ध नगर ने इसको लेकर पूरी कवायद शुरू कर दी है। तमाम जो सेल हैं उनका गठन कर दिया गया और जितने यूनिवर्सिटी, स्कूल और कॉलेज हैं उन सबको फॉर्म बांटे जा रहे हैं। उनसे, महिलाओं से जानकारी ली जा रही है कि ऐसे कौन से स्पोर्ट्स हैं जहां पर मंचले उनके साथ छेड़छाड़ करते हैं। वो स्पोर्ट्स पता करने के बाद पुलिस वहां तैनात होगी और तैनाती के बाद ऐसे मंचलों पर नकेल कसी जाएगी। अमित चौधरी, जनतंत्र TV, नोएडा।